Hello students, welcome back to my channel English classes. Today in this video we will learn how to write notice. In mostly exams in banking also in 6th onward, 6th to 12th also we need how to write notice. Notice writing is mostly we get 4 marks. For these 4 marks we will discuss all the things which are necessary in this video. But first of all I want to ask, what is notice? Notice is a formal information. It is not informal. It is formal information. We can share it in group or personally in any organization like school, in any bank, in any hospital, in any college, means किसी भी संस्था में हम एक फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है दैट राइट इज राइट थ्रू नोटिस राइटिंग इट इज़ वेरी इजी. देन व्हाट आर द टॉपिक्स में भी टॉपिक्स क्या हो सकते हैं इस लॉस्ट एंड फाउंड. अगर हमारा कुछ गुम हो गया है, अगर हमारा कुछ हमें कुछ मिला है तो उसके लिए हम नोटिस लिख सकते हैं. आर्टिकल भी मिल सकता है हमें और एनी पर्सन. Invitation. Which type of invitation? Invitation for meeting, invitation for any event, we may write notice. Any for any information, we are going on tour, that we want to give information to all the students who are interested, then we are, what we do? We will write notice. Any happy news if you want to share with school, in college, in any institute, what we will do? We will write a notice. Then main things, main points I will discuss. I will discuss structure also, what is the format of the notice writing and how to write. What are the main points? Main points is that should be in brief. हमें ये नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा नोटिस लिख दिया. मिनिमम जो मैक्सिमम वर्ड्स जो होते हैं इसके लिए वो होते हैं 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स में अगर हम नोटिस लिखते हैं दैट इज़ मोर देन एनफ. इसको ज़्यादा एनलार्ज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है. दैट शुड बी ब्रीफ, वेल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो है वो उसका वेल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो जो मार्किंग स्कीम होती है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. फॉर्मेट 1 मार्क्स, कॉन्टेंट ओनली 2 मार्क्स, एक्सप्रेशंस ओनली 1 मार्क्स, मीन्स टोटल 4 मार्क्स. तो हमें कितना मैटर चाहिए? ओनली फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे. फॉर्मेट आई विल डिस्कस विद यू. हम कंटेंट जो है वो प्रॉपर कंटेंट देंगे 2 मार्क्स के लिए. उस कंटेंट में हम क्या क्या ऐड करेंगे दैट आई विल टेल यू. इमोशंस हमारे, अब इमोशंस में 1 मार्क्स में क्या आ जाएगा? हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन, हमारी स्पेलिंग्स और हमारी जो हमारे इमोशंस हैं, हम उस इवेंट को, उस टास्क को, उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो. वेल स्ट्रक्चर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन. हमेशा हमारे नोटिस में एक जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए. ये नहीं है कि हमने डेट बता दिया है, वेन्यू नहीं बताया. अगर हमने वेन्यू नहीं बताया तो हम कैंडिडेट्स कहाँ पहुँचेंगे, किस टाइम, किस डेट, ऑल थिंग्स. जो लैंग्वेज है दैट शुड बी फॉर्मल. वो हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए. इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ हम नहीं करेंगे. टाइटल, टाइटल एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जो आई कैचिंग हो, जो दूर से ही ऐसे देखे दैट्स वेरी गुड, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है. हमें लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं कि नोटिस फॉर दिस, नोटिस फॉर वो, तो नोटिस को बहुत ही हाईलाइट करके लिखते हैं. तो जो टॉपिक है उसको हाईलाइट करके लिखते हैं. राइट इन, ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन. हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को अवॉइड कीजिए नोटिस राइटिंग में. मोस्टली यूज़ थर्ड पर्सन. डोंट यूज़ सैल्यूटेशन. हम जैसे फॉर्मल लेटर के अंदर सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ऑल थिंग्स वी यूज़, बट इन नोटिस वी विल नॉट यूज़ दीज थिंग्स. सैल्यूटेशंस भी हम नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज भी हमें फॉर्मेट नहीं. व्हाट इज़ द फॉर्मेट? आई टोल्ड यू फॉर्मेट ऑल्सो गिव अस 1 मार्क. तो फॉर दिस 1 मार्क वी विल यूज दिस फॉर्मेट.
इफ वी विल यूज फॉर्मेट देन श्योर वी विल गेट दिस मार्क. एंड देन व्हाट इज द फॉर्मेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में हम हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल का नेम लिखेंगे. यहाँ पे हम कॉलेज का नेम लिखेंगे अपना, जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपका स्कूल है. देन यू विल राइट नोटिस. और वन मोर थिंग यू ऑब्जर्व, आई राइट ऑल दीज इन कैपिटल लेटर्स बिकॉज ऑल दीज डिटेल्स वी विल राइट इन कैपिटल लेटर. नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट यू विल राइट इन कैपिटल लेटर. नोटिस यू विल राइट इन कैपिटल लेटर. देन यू विल राइट हेयर डेट. देन हैडिंग, व्हाट इज द हैडिंग? हैडिंग मीन्स यू लॉस्ट समथिंग, यू फाउंड समथिंग, यू वॉन्ट टू गिव इन्विटेशन, वन महोत्सव यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट, योगा डे यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट, और एनीथिंग, दैट इज द हैडिंग. देन यू विल राइट कॉन्टेंट. एंड इन दिस कॉन्टेंट, दिस कॉन्टेंट इज ऑफ टू मार्क्स. फॉर टू मार्क्स व्हाट आर द थिंग्स वी विल राइट? दैट शुड बी इंफॉर्मेशन, शुड बी विद डेट. व्हाट इज द डेट? और हेयर, सम स्टूडेंट्स मोस्टली आस्क व्हाट इज द डेट वी विल राइट हेयर. अगर मैं आज नोटिस लिख रही हूँ, अभी आपके लिए नोटिस लिख रही हूँ, देन वी विल राइट डेट अकॉर्डिंग टू टुडे. व्हाट विल बी द डेट? टुडे इज 25 मई 2020. इट इज द डेट. इन लेटर, इन नोटिस, जब भी हम लिख रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल पुट द सेम डे डेट. उसी दिन की डेट हम पुट करेंगे. डेट कहाँ, कौन सी? और यहाँ जो डेट कंटेंट में जो डेट आएगी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू अवर शेड्यूल, कि किस डेट को क्या शेड्यूल है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द इवेंट ऑन विच डेट. दैट डेट वी विल मेंशन हियर. डे, ऑन विच डे. व्हाट इज द टाइम, टाइम ऑफ आवर इवेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टाइम एवरी वन विल सेलेक्ट हाउ टू मैनेज टाइम एंड आई हैव टू गो और नॉट टू गो. कि जो टाइम स्लॉट है हमारे इवेंट का, वो 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल सेलेक्ट. सो इट इज ए मैंडेटरी थिंग वी हैव टू मेंशन टाइम स्लॉट. देन लोकेशन मीन्स आवर वेन्यू, वेयर आर फंक्शन इज गोइंग ऑन, इन आवर स्कूल कैंपस, इन आवर कॉलेज कैंपस, इन आवर इंस्टीट्यूट कैंपस और एनी अदर. एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन? टाइम यू आर सेइंग, टाइम यू कैन से प्रोग्राम विल बी स्टार्ट 2 o'clock, टाइम विल बी स्टार्ट 3 o'clock. इट मीन्स दे विल कम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड विद ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स इट इज 2 hours फंक्शन, 3 hours फंक्शन, 4 hours फंक्शन, लाइक दिस. ऑल दीज थिंग्स वी विल कीप इन अवर कॉन्टेंट. और अगर हम इतना ये सब चीज़ें कॉन्टेंट में डालेंगे, देन फॉर 2 marks दैट वी आर एबल टू ईजीली राइट. किसी चीज़ को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मेट लर्न करने की ज़रूरत है. देन एट लास्ट वी विल डू सिग्नेटरी. व्हाट इज़ द सिग्नेटरी? सिग्नेटरी पार्ट में क्या आएगा? ये नहीं है कि वहाँ पे आपको सिग्नेटरी लिखना है, कॉन्टेंट लिखना है, हेडिंग लिखना है, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट वी विल राइट नोटिस. नाउ सिग्नेटरी, नेम, योर नेम एंड योर सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन. हु आर यू? इफ़ यू आर इन स्कूल, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, और प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलेज, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलेज. और वट इज़ योर डेजिग्नेशन? आप किस पोस्ट पे हैं, आप क्या है, आपका, आपकी पहचान क्या है, आप नोटिस लिख रहे हैं, आप कौन हैं, लाइक दिस. वी विल मैंशन हेयर ऑल दीज थिंग्स. दो वट आर द थिंग्स? बिल्कुल आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए फॉर्मेट को. अगर आपको फॉर्मेट लर्न है, देन देर इज नो कन्फ्यूजन, यू आर एबल टू राइट नोटिस. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है हमें? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. देन यू विल राइट नोटिस.
ये फॉर्मेट बिल्कुल आपके माइंड में आ जाना चाहिए अभी. नोटिस, देन यू विल राइट डेट, देन हेडिंग, देन कंटेंट. और कंटेंट में व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू इंक्लूड, डेट, डे, टाइम, लोकेशन एंड ड्यूरेशन. सिग्नेटरी, व्हाट आर द थिंग्स इन सिग्नेटरी वी विल डू, नेम एंड योर सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन. यू विल मेंशन स्टेटमेंट वी हैव हियर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट दैट वी डिस्कस नाउ. वी विल राइट वन नोटिस एंड यू विल फील हियर विद मी दैट टू राइट नोटिस इज वेरी इजी थिंग. इट इज द इजिएस्ट थिंग टू राइट ए नोटिस. स्टेटमेंट इज, यू आर राधा मोहन, हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ आदर्श विद्या मंदिर स्कूल. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स. दिस वन इज द स्टेटमेंट. नाउ यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी विल राइट. वी विल राइट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. वट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट? हेयर ऑलरेडी गिवन, आदर्श विद्या मंदिर. हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहां से कॉपी करके यहाँ पे चीजें पॉइंट आउट करनी है, सिर्फ उनको हमें अरेंज करना है, वो दिमाग में अपने रखना है कि हाउ टू कीप इन अरेंजमेंट. आदर्श विद्या मंदिर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हमने लिखा आदर्श विद्या मंदिर, कैपिटल लेटर में लिखा. हमने यहां से सेम डिक्टो लेना है. देन नोटिस वी विल राइट इन कैपिटल लेटर, NOTICE, कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे. देन वी विल राइट डेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. हम चल रहे हैं, ध्यान रखना है बिल्कुल. डेट मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ऐसे वो डेट डेट लिख के आपको ये लिख के कि डेट लिखा. और देन यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. नो, इट इज अ रॉन्ग पैटर्न. यू विल नॉट राइट लाइक दिस. यू विल डेट, यू विल राइट डाउन डेट लाइक दिस. देन यू विल स्टार्ट यूर हेडिंग. वट इज द हेडिंग? हेडिंग वी विल राइट इन बोल्ड लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स, इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. हेडिंग आपके पास है, आपको बोला गया है इसके अंदर कि आपका स्कूल क्या करने जा रहा है. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. आपको पता है कि ये हमारा इवेंट है. इवेंट का जो नेम है वो हमें यहां से बिल्कुल उठा के यहां पे लिख देना है विदाउट एनी डाउट. इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. नाउ वी विल डू हाउ टू राइट दिस. दिस वन इज द कॉम्पिटिशन वी हैव. हमें अपने माइंड में रखना है सभी को, इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन होने जा रहा है हमारा, इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. देन हाउ टू राइट. आप इस लाइन को बिल्कुल स्टार्टिंग करने के लिए किसी भी नोटिस को याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पे क्या है, नोटिस इज हेयर बाई गिवन दैट. और क्या क्या लिख सकते हैं आप? मैंने ऑप्शन में दिया है कि ये जो ऑप्शन है क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म. ये किसके लिए है? यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी आप स्टार्ट. नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट. और आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. कोई भी एक लाइन आप इसमें से, इसमें ये और ये, एनी वन यू मे सिलेक्ट, बोथ आर राइट. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है? इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ऑल द स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन आपको देनी है. अब लिखोगे आवर स्कूल, हमारा स्कूल है. आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज. आवर स्कूल यहीं से उठाना है आपको. योर स्कूल की जगह आपका क्या हो गया है यहाँ पे? योर स्कूल की जगह आवर स्कूल हो गया है. आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. मैंने देखो सेम लाइन लिखी है, ऑब्जर्व करें आप. आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांसिंग कॉम्पिटिशन. अब हमने क्या किया था कि हमें क्या क्या इसमें मेंशन करना है. हमें डेट देनी है, किस डेट को हो रहा है? ऑन 1st June. किस डे को हो रहा है? ये चीजें हमें कंटेंट में देनी है. किस डे को हो रहा है? दैट इज मंडे. डेट इज दिस. कहां हो रहा है? वेन्यू क्या है आपका? आपकी लोकेशन क्या है? इन स्कूल ऑडिटोरियम.
स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है और आपका टाइम क्या है। नेक्स्ट क्या है, टाइम, कितना टाइम आपको लगेगा, किस समय आप स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम। द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM। आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है, 10 AM पे स्टार्ट हो रहा है, इन द मॉर्निंग। एंड ड्यूरेशन, एक बात की थी हमने कि हम ड्यूरेशन भी दिखाएंगे कि कितना टाइम, व्हाट इज द लॉन्ग स्लो टाइम पीरियड ऑफ आवर फंक्शन आवर इवेंट। मॉर्निंग एंड विल लास्ट टिल, कब तक रहेगा, 2 AM, 2 बजे तक। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ओनली कोई भी इवेंट हो, हम सेम लाइन लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट अंडर साइंड, जो जहां पे हमारा डेजिग्नेशन, हम कौन है, अंडर साइन कौन होगा, राधा और रोहन, हेड गर्ल है, हेड गर्ल लगा दीजिए, रोहन राधा है, हेड गर्ल है, रोहन है हेड बॉय। उसके बाद क्या करेंगे हम, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट अंडर साइंड फॉर व्हाट, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आप कोई भी इन्विटेशन है, कोई भी इवेंट है, कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड है, इन एनी, इस लाइन को आप लर्न कर लीजिए बिल्कुल टोटली। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट अंडर साइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। नाउ सिग्नेटरी, लास्ट सेक्शन हमारा क्या था, यहाँ पे हमें क्या लिखना था, सिग्नेटरी। सिग्नेटरी में क्या क्या पार्ट थे, नेम राधा एंड रोहन, और व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नोटिस, हेड गर्ल और हेड बॉय। और वन मोर थिंग, वी ऑलवेज राइट इन बॉक्स, एट लास्ट वी विल क्लोज अवर बॉक्स। हमेशा हम बॉक्स में लिखते हैं नोटिस को। अब हमारा जो फॉर्मेट देगा, अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं, 1 मार्क्स। अगर आप इसका जो कंटेंट है, ये सारी जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, जो सारे मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, इफ यू विल फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स, देन 50 मार्क्स इज नॉट मोर, देन यू आर इजीली गेट 2 मार्क्स हियर विद द हेल्प ऑफ ए these points and in content, or your emotions, your expressions, you will get 1 mark. Then if our sentences are correct, that nothing, इतनी grammar हमें use यहाँ पे करनी नहीं है, सिर्फ जो facts है सिर्फ उनको हमें arrange करना है, then I will give you full marks in this notice, if you will write according to this format and according to given pattern you will follow, then you are easily able to write a notice.